स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज लगातार ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहे हैं और जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में जो है बातचीत करने के लिए नारायण शर्मा जी हैं, जो कि यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। नमस्कार। लगातार आपका चुनावी अभियान चल रहा है, तो किस तरह की तैयारियां हैं? आप लगातार गांव टू डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी पब्लिक से, और पब्लिक के काम करने के लिए हमने तो चुनाव में आए हैं जी। और जैसे सोलर प्लांट हो गया, बिजली फ्री, पानी फ्री, यही हमारी पब्लिक के लिए सेवा होगी। जिससे मतलब कि चुनावी मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जो है जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं? बिजली फ्री, पानी फ्री, सोलर प्लांट की व्यवस्था कराएंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये हमारा, गरीब हो उसमें अमीर हो सभी के लिए बराबर है, और पब्लिक गरीब जनता के लिए मकानों की जो रिपेयर का हो पैसा दिलवाने के लिए, और गली है जैसे नाली है, ये है, स्कूलों की प्रोग्रेस है। जनसंपर्क क्या अभियान आपका चल रहा है, डोर टू डोर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है पब्लिक से जी। हाँ जी, और जनसमर्थन 36 बिरादरी का जनसमर्थन मिल रहा है हमारे। तो और क्या संदेश आप जो है अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को जो है ब्रेकिंग प्लस न्यूज चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? सेवा का मुख्य दे तो हम पब्लिक के लिए सेवा करके दिखाएंगे, काम करेंगे पब्लिक के लिए। तो हमारे साथ में जो है शर्मा जी थे, जो कि जिला परिषद से यहाँ से जो है चुनावी दौर में निकले हुए हैं, जनसंपर्क अभियान अभी इन्होंने चलाया हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी जो चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर के लगातार ये चुनाव में है, और लोगों से लगातार जो है बता रहे हैं कि भाई हम ये जो चीज़ें हैं उन पर हम लगातार जो है यहाँ पे काम करें। कैमरा पर्सन हूँ। धन्यवाद।